छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से लगे ग्रामों में आपसी द्वेष और मतभेद आखिरकार दोनों राज्यों के पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गए। अब दोनों राज्यों के लोग एकजुटता के साथ आपसी भाईचारे और प्रेम से साथ रहकर पहले की तरह ही शांतिपूर्ण जीवन यापन करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के गोविंदपुर और छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 10 ग्राम के लोगों के मध्य गत दिनों मॉब लिंचिंग की घटना के बाद से मतभेद हो गया था। दोनों राज्यों के बीच दीवार खड़ी हो जाने से प्रभावित ग्रामीण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके कारण दोनों राज्यों के लोगों में भय का माहौल निर्मित हुआ और दोनों राज्य का व्यापार भी प्रभावित हुआ। दोनों राज्यों के लोगों में असुरक्षा की भावना से संबंध में भी अंतर आया। एक दूसरे राज्य में आवागमन भी रद्द हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस ने शांति बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुलिस की पहल पर सफलता हाथ लगी और दोनों ही राज्यों में स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई। पहले हम सभी लोग भाईचारा के साथ देखिए 3 अक्टूबर के दिन एक युवक को शंका में पीट पीट कर उसकी हत्या हो गई थी और उस घटना के बाद से इस क्षेत्र के लोगों में एक भय था, एक डर था और दोनों तरफ से बॉर्डर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो उस तनाव को दूर करने के लिए एक सामंजस्य बैठक दोनों राज्य से मिल करके ये बैठक आज किया गया। बैठक आम लोगों की थी और 2 बैठकें हुई। पहली बैठक झारखंड के गोविंदपुर में, जो छत्तीसगढ़ का डडगांव का बॉर्डर लगता है, एक प्रकार से कह लीजिए कि बॉर्डर मीटिंग थी ये, जिसमें कि दोनों पक्षों के, दोनों राज्यों के बॉर्डर में रहने वाले लोगों के सुगम आवागमन और दोनों के परिवारों के बीच में सामंजस्य को और मजबूत करने के लिए यह बैठक हुई। गोविंदपुर सर के इनिशिएटिव से ये दोनों जगह बैठक हुई है, झारखंड में गोविंदपुर में जारी थाना अंतर्गत और यहाँ जसपुर में निमगांव में, दोनों जगह बैठक हुई। बैठक काफ़ी सार्थक रही है, जैसा कि सर ने बताया कि दोनों स्टेट में बॉर्डर जो कोऑर्डिनेशन था वो पुनः हम लोगों को बहाल करना था। इसके अलावा 2 गांवों के बीच में जो कन्फ्यूज़न था उसको भी हम लोगों को डिसमेंटल करना था। उस आलोक में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और हम लोगों का ऐसा मानना है और गांव वालों ने भी, हम लोगों को दोनों तरफ के गांव वालों ने इस बात का हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोगों के बीच जो पहले जैसा तारतम्य था वो हम लोगों का बना रहेगा।